भाई भेड़ पालक चले गए बकरियां लेके जंगल में, और इनके सीनियर बुजुर्ग मामटी हैं इधर, तो दाल वो रखे थे उबलने के लिए, दाल बनाएंगे हम, तड़का लगाएंगे। अभी मामटी लगे प्याज काटने। मामटी मैं काटूं प्याज? अभी तड़का लगाएंगे हम दाल को और फिर बनाएंगे चावल। चेक दी मामटी, तो भाई ये लगे हैं मामटी जी दाल को तड़का लगाने हमारे। मैंने बोला मैं करता हूँ तो मामटी मना कर रहे हैं, बोला नहीं नहीं हम खुद करेंगे, आप बैठो आराम से। मामटी ये सेल ले क्या रेट मिलना है क्या? अच्छा हाँ नहीं मामटी, मैं तो ऐसे खरीदने के चक्कर में हूँ, ऐसे खरीदना नहीं नहीं मामटी ठीक बोला है। ये भाई बकरी के बालों के बने हुए हैं ये सेले, ये देखो ये बकरी के बाल हैं ये सारे। कोई बकरी मर जाती है ना तो उसके बाद उसके बाल निकालते हैं ये, और फिर ऐसे ऐसे बनाते हैं सेले मैट। हाँ जी वहां हटाता है मामटी ना, जहां बोलना होता है वहां बोलना ही पड़ता है ना। तो भाई ये दाल बना दी, अब इसको उबालेंगे थोड़ा सा और फिर चावल बनाएंगे। चार पांच री जेंगे ना, चार बनने होने वाले थे इसमें कि पांच, ज्यादा तो नहीं होने। भीड़ नहीं हो इसमें ये। तो ये अब चावल बनाएंगे हम ना, जितने भेड़ पालक आएंगे उतने बना के रख देंगे चावल वगैरह। तो भाई इस वाले बर्तन में ना दाल बना ली, मतलब उल्टा ली, पहले कुकर में तड़का लगाया फिर उल्टा इसमें, और अब बनाएंगे चावल। तो यहाँ पे हमारे सीनियर मामटी सबसे बुजुर्ग मामटी लगे हैं चावल साफ करने। मामटी मैं करूँ? ओ नहीं मामटी ऐसा कुछ नहीं है, प्रोणा प्रोणा कुछ नहीं। लकड़ी लाओ मामटी। अच्छा तो उस भाई रख दिया कुकर, और अब ये चावल बन जाएंगे आराम से इधर। भाई बारिश वाला ही मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है बीच बीच में, अदरवाइज बादल छा रहे हैं बहुत बुरे ढंग से यहाँ पे। और ये ऐसा जैसा व्यू यहाँ पे, और ये इनके टेंट से
बैक साइड को ऐसा घना जंगल है। ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ों से मतलब ये इसके पीछे और पहाड़ों में दिखते नहीं है, यहाँ से उस पर बर्फ़ पड़ जाती है। सामने के पहाड़ों पे तो भाई दबा के बर्फ़ पड़ी हुई है, इन वाले पहाड़ों पे, रोहतांग वाला एरिया ये। भाई ये वाली बकरी इस वाले कुत्ते पे अटैक कर रही है बार बार, इसको लग रहा है कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है। क्या कर लिया है? चलो रिकी उठ उठ। तो भाई ये हैं छोटे छोटे बकरियों के बच्चे, और इनकी जो माता है ना वो चली गई जंगल में घास चरने के लिए, और ये धूप सेक रहे थे। कभी धूप हो रही है, कभी छांव हो रही है, अभी छाया होगी भाई, धूप चली गई, बादल आ गए। तो कुछ एक बच्चे ये हैं यहाँ पे, और दो बच्चे ये हैं यहाँ पे। बैठ जा शाबाश, आजा 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 आजा। 8-10 बच्चे होने यहाँ पे। हेलो, किधर गई आपकी माताएं? घास चरने गए? ओ यारा हैं, क्या करना भाई। हमारे मामटी जी ने खाना भी बना दिया और सलाद भी काट दिया यहाँ पे, ये खीरा काट के रख दिया। ये वो है हमारा पहाड़ी खीरा है, इधर गांव से लाए मामटी, और अब नमक भी डाल देंगे मामटी इसमें। और मामटी ने आज स्टैंडर्ड चख दिया। तो भाई हमारे मामटी जी ने खाना रख दिया बना के यहाँ पे, और अब सैलेड लगे हैं काटने। सलाद से लाए हैं खीरा, स्पेशली पहाड़ी खीरा, ये देसी काकड़ी कहते हैं हम इसको। मैंने तो खा भी लिया एक पीस, बड़ा टेस्टी है भाई। रोटी नहीं ना आती, बब पक नहीं रहे। अच्छा चलो आंटी, कुत्ते बनाने हैं, बनी जानी है, मैं बनाऊं। 11:30 बज रहे हैं अभी ना, दिन का टाइम है, और इनकी भीड़ बकरियां आ गई सारी यहाँ पे। तो अब छोटे छोटे बच्चे उनको दूध वगैरह पिलाएंगे, और उसके बाद फिर लंच करेंगे। हमारे मांझी जा रहे हैं पानी के लिए यहाँ पे, ये देखो पार। और अब बारिश लग रही है भाई, मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो गया एक बार फिर से यहाँ पे, बहुत ठंड है यहाँ पे। और हमारे बुजुर्ग मामटी, सबसे सीनियर मोस्ट मामटी लगे हैं कुत्तों के लिए रोटी बनाने। लकड़ी लगानी पड़नी मामटी चूल्हे में, कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाना काम है ना। Yeah, I don't know.